ये आप देख सकते हैं एनजीओ का लोगो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। माय नेम इज निखिल एंड यू ऑल आर वाचिंग NG23। तो मैं इधर आया हूँ रेलवे स्टेशन के पास। तो बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं आया, 3 दिनों से। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 6 o'clock और मैं इधर आया हूँ मेरी स्कूटी लेके। तो गाइस एक गुड न्यूज़ है कि अपने चैनल का आर्ट आ चुका है। और अगर आपने मेरा कलोटी वाटरफॉल वाला ब्लॉग नहीं देखा होगा तो वो भी देख लीजिए। तो उसमें एक मेरे फ्रेंड मिले थे, ब्लॉगर थे, द मराठी ब्लॉगर करके, सौरभ। तो एक बार वो देख लीजिए, फिर मिलते हैं। एक ब्लॉगर है, तो नाम बताइए आपका। द मराठी ब्लॉगर। द मराठी ब्लॉगर, तो ये मराठी में ब्लॉग करते हैं और ऐसे नए नए ब्यूटीज और नेचुरल प्लेसेस एक्सप्लोर करते हैं। तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका मैं इनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और आपका इंस्टा आईडी बोलिए। मिस्टर सौरभ 7। ओके, मिस्टर सौरभ 7 करके इनका इंस्टा आईडी है। तो ऐसे नए नए लोग मिल रहे हैं, ब्लॉगिंग थोड़ा आगे बढ़ रहा है तो अच्छा लग रहा है। और महाराष्ट्र में रह के मराठी ब्लॉगिंग नहीं किया तो क्या किया। तो बिग थम्स अप टू यू। तो गाइस उन्होंने मुझे चैनल आर्ट बना के दिया और मेरा पुराना वाला चैनल आर्ट देख लीजिए आप पहले। ओके, जादू एक टाइम नहीं होता है ना, अभी नया वाला देख लीजिए। चैनल आर्ट बना के चाहिए तो उनका इंस्टा आईडी और ये सब कुछ आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। तो उनको DM कीजिए और वो आपको थंबनेल्स बना के देंगे, चैनल आर्ट बना के देंगे और बहुत कुछ करके दे सकते हैं। उनसे आप बात करेंगे तो आपके इश्यू सॉल्व हो जाएंगे। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था पहला वाला चैनल आर्ट। हालाँकि मैं और मेरी बाइक थी, लेकिन थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं था। तो गाइस ये आप देख सकते हैं एनजीओ का लोगो। तो ये स्कूटी जब मैं 11th में था तब यूज़ करता था, 11th 12th में, और तब से ये स्कूटी बंद था 12th के बाद से। तो मैं ये ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करने वाला था, मैं मोटो ब्लॉगिंग स्कूटी के ऊपर चालू करने वाला था। फिर मैंने सोचा कि बाइक के ऊपर चालू करते हैं। तो फिर मैंने बाइक ली, सेकेंड ईयर में था डिप्लोमा में, तभी मैंने बाइक ली। फिर मैंने मोटो ब्लॉगिंग चालू की। और तो गाइस मैं स्कूटी इधर टेस्ट करने आया था कि बराबर वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, चल रही है नहीं, क्योंकि उसको हाल ही में रिपेयर किया हमने, रिसेंटली उसको रिपेयर किया है स्कूटी को। तो वही देखने आया था और थोड़े दिनों बाद कुछ अपग्रेड्स आएंगे अपने ब्लॉगिंग में और ब्लॉगिंग स्टाइल में। तो धीरे धीरे सीख रहे आपका भाई, एकदम धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारा है कुछ काम, क्योंकि मेरा कॉलेज का भी लेक्चर्स रहते हैं, क्लास के भी लेक्चर्स रहते हैं, इसके लिए थोड़ा सा टाइम कम मिलता है ब्लॉगिंग करने के लिए। फिर भी मैं कंसिस्टेंसी बढ़ा रहा हूँ और चालू है अभी मेहनत। तो कभी प्लानिंग करेंगे, आपको अपडेट सब मिलते रहेंगे। और मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा है क्योंकि यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे बच्चे लोग, मतलब बड़े लोग हैं अपने जितने ये उम्र में, लेकिन फुटबॉल खेल रहे। और बहुत ही अच्छी लोकेशन है, जब भी मैं थोड़ा अकेला होता हूँ तो इधर ओपन एयर में आ जाता हूँ थोड़ी देर। वीडियो बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल रहने वाला है।
सो गाइस नीचे कमेंट कीजिए आपको चैनल आर्ट कैसे लगा, और बहुत ही अच्छा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि बंदे ने मेहनत बहुत की है उसके पीछे, और उसने एक नहीं बल्कि 6 मुझे सेंड किए थे कि कौन सा अच्छा लग रहा है आपको रख दीजिए, और तो इसके लिए मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है ब्लॉग बना के। तो भाई की मेहनत को सपोर्ट करो, तो उसका चैनल का लिंक और इंस्टा आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही साथ स्क्रीन के ऊपर भी आएगा उसका चैनल का लिंक और ये सब कुछ। तो इधर नीचे झाड़ियों में मैं चल रहा हूँ, इसके लिए देख देख के चलना पड़ रहा है नीचे, और आज का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, और मैं अभी निकल रहा हूँ घर पे। तो गाइस अभी हम लोग एक माइलस्टोन हिट करने वाले हैं, तो दबा के लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो अगर आपने किया नहीं होगा, तो हमारे फैमिली का हिस्सा बनो, और धीरे धीरे हम लोग ग्रो हो रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू एनजी 22। बाय।